तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजौरी, उतरेगी आज मेरे की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और आज नवरात्रि का सातवां दिन है, यानी कि निशा पूजा। और आज निशा पूजा के दिन हम लोग पूरे रात जागते हैं मंदिर में। तो और मतलब रात को 12 बजे से ये पूजा स्टार्ट होता है, जो कि सुबह सुबह तक चलता है और सुबह तक खप्पर भी चलता है। और खप्पर आज मतलब पूछिए मत कितना होगा, मतलब कि 500 पार रहता है हमेशा। 1000 भी पार हो जाएगा, 500 भी पार हो जाएगा, इससे कोई मतलब इसका कोई एग्जैक्ट नहीं पता रहता है कि ये कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तक चला जाता है। और हम लोग को पूरा सजाना भी पड़ता है। और आज मतलब दो बार मंदिर जाना पड़ता है, एक शाम को जो कि जाके मंदिर को सजाना पड़ता है, धुलना पड़ता है, अच्छे से साफ सफाई करना पड़ता है। और दूसरा हम लोग को जाके फिर रात को जाके पूरे रात तक जगना पड़ता है। तो वो वाला आज का दिन बहुत ही स्पेशल होता है, मतलब मंदिर में निशा पूजा ही तो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। तो हम लोग आज चलेंगे नवरात्रि, आज हम लोग जाएंगे शाम को और आप लोग को भी दिखाएंगे कि आज के निशा पूजा हम लोग कैसे मनाते हैं। पिछले बार भी बनाए थे, जिसका ब्लॉग है मेरे चैनल पे, तो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी आज अच्छे से बनाएंगे थोड़ा और आप लोग को दिखाएंगे कि आज निशा पूजा हम लोग कैसे मनाते हैं मंदिर में। और शाम के टाइम जाते टाइम मिलेंगे। और फिलहाल बहुत तेज धूप हो रहा है तो छत पर ब्लॉग बना रहे हैं, तो अभी चलते हैं नीचे और शाम को जब मंदिर चलेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। और मिलते हैं आप लोग से शाम को सीधा मंदिर में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और ये देखिए सजावट का काम शुरू हो चुका है, जो कि एक घंटे में पूरा हो जाएगा। ये हमारा मंदिर है और अभी थोड़ी देर में ये हो जाएगा पूरा, तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि कैसा सजता है। देख लीजिए ये कैसा हाल हुआ है यहाँ का। और अभी थोड़ी देर में हम लोग इसे सारा साफ करके और फिर वहाँ पे हम लोग खप्पर सजाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। और अभी थोड़ी देर में हम ये पूरा साफ करके और यहाँ से एकदम अच्छे से सजाएंगे और आपको दिखाएंगे। आज 250 से ऊपर है खप्पर, यानी कि 500 मान के चलिए कि 500 पूरा खप्पर है। और 500 खप्पर सजाने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए ये पूरा साफ हो चुका है और अभी आप लोग पहले देखे थे कैसा था, अब देखिए एकदम क्लीन। तो अभी फिलहाल अभिषेक देखिए मंदिर के सजावट में लगे हुए हैं। तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि आधा हम लोग का ऑलमोस्ट काम हो चुका है और अभी इधर चल ही रहा है फूल लगाने का, जो कि अभी थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। सकते हैं कि इतना सारा खप्पर, हम आप लोगों से बोले हुए थे 500 खप्पर लग जाएगा, अभी ये आप लोग पूरा है 250 के आसपास, अभी ये पूरा भी नहीं, अभी इतना और आएगा तब जाकर 500 पूरा होगा। और बाकी ये धूप और वो चंदन, और अभी ये तीन तो बहुत पहले ही का भरा हुआ है और आज हम लोग का इतना भरना है। तो ये अभी 250 खप्पर कंप्लीट हुआ है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अभी 250 और बचा हुआ है, 500 हम लोग को पूरा करना है आज। और ये 250 और उधर अपना काम चल ही रहा है भरने का, 250 में पूरा कम्प्लीट हो गया है, आप लोगों को पता ही होगा। और 500 कम्प्लीट करके आप लोग देखिए, और उधर अभी भरा ही रहा है।
बाहर निकल के आप लोगों को पता चल रहा है तो देखिए यहाँ पे ध्वज बदला रहा है ऊपर हनुमान जी का। यहाँ ध्वज बदलाता हुआ आप लोग देख लीजिए, लिखा दी इसमें भी आपको। ये हमारे बड़े भैया जो सुरथा के अभी हो चुका है एकदम सुबह हो चुका है। अभी टाइम दिखाते हैं आप लोगों को कितना हो रहा है, 5:18 हो रहा है और अभी तक हम लोग मंदिर में ही थे और लास्ट खप्पर अब जल रहा है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर, अभी जा रहे हैं एक बोतल पानी लाने के लिए क्योंकि बहुत तेज प्यास लगा था। तो अभी देखते हैं इधर कौन सा दुकान खुला होगा तो वहाँ से पानी लेंगे। और फिलहाल अभी नंगे पैर घूमते हुए इन सड़कों पर फिलहाल आप लोग देख सकते हैं इतना सुबह सुबह और वो भी एक बोतल पानी के लिए और यहाँ पे नंगे पैर घूमते हुए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उधर जाने पर थोड़ा सा पैर में गड़ भी रहा है। गड़ इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे इधर छोटे छोटे पत्थर है जिस वजह से गड़ रहा है। और चप्पल हम लोग इसलिए अभी पहन के नहीं आए क्योंकि सुबह ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है, मिलता नहीं है। गायब हो जाए तो कोई फर्क नहीं लेकिन सुबह ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। तो अभी हम लोग पानी ले लिए हैं, अब चल रहे हैं वहाँ पर। लास्ट कपर वहाँ पर जल रहा है, हम लोग रात भर से लगे हुए हैं, अब ये लास्ट था, अब ये जल जाएगा, उसके बाद से प्रसाद वगैरह बांट उठ के हम लोग जाएंगे घर। और ये फिलहाल आप लोगों को बाहर से मंदिर दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए यही हम लोग का मंदिर है। और ये देखिए खप्पर उठता हुआ आ रहा है अभी भी। यहाँ पर चलते हुए आरती उरती हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अब घर क्योंकि टाइम हो गया है, 7 जा रहा है। और हम और अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को, आरती वगैरह सब हो गए, इतना ज़्यादा बिजी थे लोग कि फिर दिखाने का टाइम ही नहीं मिला आरती और प्रसाद बांटते टाइम।
क्योंकि प्रसाद हम लोग बांट रहे थे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था। यहाँ पे पूरा खप्पर जलता हुआ 250-500 पूरा खप्पर, और ये सूरज निकलता हुआ देख लीजिए। और अब हम लोग भी घर जाते हुए, अभी भी नंगे पैर और ये हलता हुआ पैर, और ये हमारे टीम मेंबर्स। और चलते हैं घर पे और आप लोगों से मिलते हैं घर पे नहाने वहाने के बाद, और जाके सो जाएंगे चुपचाप क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे रात तक जगह थे हम लोग। और ये उधर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, और ये हमारा तमकुनी रोड स्टेशन। बाकी चलते हैं घर, कम पैक कर देना, ये थोड़ा सा उसमें डाल देंगे, सब डाल देंगे। तो चलते हैं घर, और घर चलते हैं आप लोगों से मिलते हैं, मिलेंगे क्या अब इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक से नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अभी घर पे जाकर सोएंगे, फिर शाम को आना भी हम लगे तो आप लोगों से मिलते हैं शाम को, अगर टाइम मिला तो ब्लॉग बना देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर लास्ट दिन आप लोगों को दिखाएंगे नवरात्रि का, जिस दिन हवन होगा पूरा, कन्या जिस दिन खिलाया जाएगा। तो चलते हैं घर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में।